हेलो नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो होने वाला है एडसेरा एड नेटवर्क के ऊपर, एडसेरा पॉपअंडर एड्स आप किस तरीके से अपने ब्लॉगर साइट पर लगा सकते हैं, तो इसके ऊपर है ये वीडियो। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखते रहेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखिए, वैसे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अगर आप एडसेरा के ऊपर और भी वीडियो देखना चाहते हैं, एडसेरा एड फॉर्मेट के ऊपर और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो एड फॉर्मेट और भी एड फॉर्मेट के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको आज जो है जो पॉपअंडर एड के आज मैं आपको दिखाऊँगा, तो पॉपअंडर एड किस तरीके से अपने ब्लॉगर साइट पर आप लगा सकते हैं, तो इसके ऊपर है, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं जो यहाँ पर लगाने वाला वो साइट, ये जो एक मेरा डेमो साइट है, ये ब्लॉगस्पॉट के ऊपर है, तो यहाँ पर मैं आज आपको लगा के दिखाऊंगा पॉपअंडर एड किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, तो इजी सा स्टेप है, स्टेप को आप पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। जो जो बहुत सारे भाई है जो नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पर पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ पब्लिशर पर। अगर आप पहली बार अगर आ रहे थे एडसेरा के ऊपर किस तरीके से अप्रूवल लेना है, या पर अपने साइट पर किस तरीके से साइनअप वगैरह करना है, तो पार्ट वन पार्ट टू वगैरह आप वीडियो वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सरकारी जॉब .blogspot.com जो ये है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अप्रूवल ले चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए ऑल कोड है और एड कोड है, स्टेट वगैरह यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। तो ये जो साइट है, यहाँ पर इस तरीके से आपको एक साइट बना लेना है, आपको जो भी साइट है, आपको ब्लॉग स्पॉट पर हो या कस्टम डोमेन पर हो, कोई बात नहीं, एडसेरा से आपको आराम से अप्रूवल मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ अगर यहाँ पर आप एड फॉर्मेट और भी एड फॉर्मेट के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ, अगर देखना चाहते हो तो वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कोई कोई एड फॉर्मेट देखिए अगर यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इसे रिएक्टिव करना पड़ता है, यहाँ पर जो ये डिएक्टिव हो जाता है, तो इसे फिर से आपको रिएक्टिव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा जब आएंगे तो पहली बार तो आपको इस तरीके से आएगा, यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपको एड कोड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको आपका जो साइट है उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए एड यूनिट जो आपको अगर आज मैं दिखाऊँगा पॉप अंडर, तो यहाँ पर पॉप अंडर पर मुझे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कैंपेन, यहाँ पर मतलब आप अगर कुछ इस तरीके का एड जो इरोटिक एड, सॉफ्टवेयर एड्स, अलर्ट, ठीक है, गेमलिंग वगैरह एड, और इस तरीके से ऐड अगर अपने साइट पर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल से यहाँ पर आपको टिक लगाना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको टिक लगाना है अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके का ऐड आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके का ऐड में आपको CPC थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है इसे यूज़ करूँगा, उसके बाद ऐड पर मुझे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एड कोड हमारा यहाँ पर बन चुका है, तो हमें वेट करना है अप्रूवल के लिए। तो अप्रूवल एक मिनट के अंदर अप्रूवल आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पेंडिंग शो कर रहा है, तो मुझे ये जो साइट से रिफ्रेश करते ही मुझे यहाँ पर जो अप्रूवल मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने रिफ्रेश करते ही यहाँ पर मुझे अप्रूवल मिल चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर हमको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर गेट कोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए गेट कोड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से गेट कोड, और नीचे आइए, यहाँ पर आपको साइड में एक स्क्रिप्ट शो कर रहा है, इस स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, आपको यहाँ पर लगाना कैसे ही उन लोगों ने यहाँ पर बता रखा है हैड टैग के नीचे, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर प्रॉपरली स्टेप बाई स्टेप, आप देखते रहिए कहाँ पर आपको लगाना है। अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आपको हो सकता है ऐड शो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपको उन्होंने बोल रखा है, और जो देखिए यहाँ पर एंटी एड ब्लॉकिंग, कोई कोई यूज़र होता है जो ऐड को ब्लॉक करके रखते हैं, उनके लिए है ये स्क्रिप्ट, इसे आपको टिक मार्क कर देना है। यहाँ पर जब टिक मार्क आप लगाएंगे तो साइट पे देखिए कितना बड़ा सा स्क्रिप्ट आ चुका है, इस स्क्रिप्ट को आपको वहाँ पर लगाना है हैड टैग के नीचे। अगर ये नहीं चाहते हैं तो सभी के लिए, तब इसे अनचिक कर दीजिए, और ये जो छोटा सा स्मॉल साइज स्क्रिप्ट है इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर जाना है, थीम पर जाना है, और उसके बाद आपको एडिट HTML पर जाना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एडिट HTML पर आपको जाना है, एडिट HTML पर जाने के बाद ऊपर आपको हेड मिल जाता है, देखिए हेड, अगर आप नहीं जानते तो यहाँ से आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हेड, ये जो हेड है, तो इसे आपको ऊपर ही फाइंड आपको ऊपर ही मिल जाएगा, इसे आपको फाइंड करने में ईजी हो जाता है। तो उसके बाद इसे एंटर कर देना है, उसके आगे वो कर्सर रख के आपको दो बार एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रिप्ट आपको जो एड कोड मिल जाता है उसे आपको कॉपी कर लेना है। जैसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो
तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा इस थीम को सेव कर देना है और कुछ नहीं करना है, थीम को सेव कर देना है और ये प्रोसेसिंग चल रहा है तो इसे अपडेट हो जाने दीजिए। तो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुल। तो चलिए हम यहाँ से अभी बैक चलते हैं अपने साइट को, हम यहाँ से रिफ्रेश करके देखेंगे कि ऐड शो कर रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ से हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बंदा अगर आपका साइट पर आएगा ऐड, जब इसे कोड को आप लगाएंगे तो कोई भी पोस्ट पर अगर वो क्लिक करेगा या कोई भी कहीं पर भी क्लिक करेगा तो उसको जो पेज जो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए एक नया पॉपअप पेज खुल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से एक पेज जो यहाँ पर रिडायरेक्ट होगा, इसे बोलते हैं पॉप अंडर ऐड। तो इस तरीके से आपको काम करेगा। तो देखिए ये मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए ये जो पूरा फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ बार बार तो इस तरीके से आता है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर बैनर ऐड और भी ऐड फॉर्मेट के बारे में अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको भी वो भी मिल जाएगा, आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगा देना है तो विजिटर आएगा तो उससे आपका जो अर्निंग होगा इस तरीके से जो नए नए ऐड उनको शो करेगा दिखाई पड़ेगा उसका आपका पैसे मिलेगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो सिंपल सा है ये स्टेप। अगर और भी ऐड फॉर्मेट के ऊपर और भी और कोई ऐड नेटवर्क के ऊपर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मैं उसको भी आपका वीडियो बना दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रहिए, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई भी आपका अगर इशू कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपके सजेशन पर कोई ऐड नेटवर्क है या कोई ऐड नेटवर्क आप ऐड फॉर्मेट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो मैं उसका भी वीडियो ला दूंगा। और एडसटेरा के ऊपर और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।